ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਕੇ ਬੀਫ ਆਓ ਦੁਜਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇ ਕੀ ਟੱਫੇ ਵਾਦੇ ਤੂੰ ਪਟੀਨ ਖਾਕਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜੱਟ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਮੈਂ ਪਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਲਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਦੀ ਉੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸਟੂ ਅਵੇਲੀ ਕੋ ਲੋਕ ਕਰ ਦੇ ਬੇਟਾ भाई हेलो भाई नमस्कार सत श्री अकाल राम राम वाली लाइन हो गई अपनी स्वागत आपका नए व्लॉग में पूरे बढ़िया शानदार सुबह के साथ ठीक है भाई तो फालतू ना गावस कर लगे गावस कर नहीं बेटा कपिल देव तो भैया मांगी मैंने कल गौरव लंदन से ले रहा था यो कौन सा ग्राउंड है लॉर्ड्स यो वो नहीं पहला इंडियन टीम में जर्सी में पहरा करते मगा भैया आधे ज्यादा इसमें रुक गया सुबह उठते जा खतर वीडियो ना बनाए भाई घने पे सूर्य पड़े थे कभी घने पिक्चर पर भैया एंट्री ठीक है यो वॉशरूम स्लाइडर गेट यो बंद हो गया ठीक है यो वॉशरूम हो गया यो अपना बेडरूम हो गया बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं क्वालिटी मतलब बढ़िया है मैं नहीं कहता कि 5 स्टार टच है पर कोई कमी भी नहीं है ना ए वन गति है और अब देखा नज़ारा नजारा पहले तो व्लॉगर देख लो यो कंगा ठाई की तंड है अरे आड़े लो चा उड़े सो पर्दा हटाओ और तड़के उठो तो यो नजारा भाई वाह भाई वाह क्या कहने पहले कंगा धर का क्या यूट्यूबर बनेगा रे तू तो भाई कोई ना धरा था अबे लीप धरा यो नजारा है भाई अगली बार रहना यो कमरा फिक्स कर दे हम है ना पूरा सेटअप दिखाता हूँ आपको तो इस जगह का नाम है भाई कसोल कैंप्स पिछली जो मैंने वीडियो डाली बहुत सारे लोगों के खासकर इंस्टाग्राम पे डीएम आ रहे थे मैंने स्नैपचैट पे भी स्टोरी डाली थी वहाँ भी पूछ रहे थे भाई कहाँ रुके हो बहुत बढ़िया जगह है तो कसोल कैंप्स जिसका नाम है मैं आता था आ रहा हूँ यहाँ पे 12-13 साल से जब ये सेटअप ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको दिख रहा है ना ये कुछ भी नहीं था यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड था बहुत बड़ा सा मतलब एरिया इतना ही था पर खाली था और सिर्फ एक बीच में वो बना हुआ था सामने दिखाता हूँ आपको और कुछ भी नहीं था यहाँ पे सिर्फ अब भाई प्रॉपर सेटअप बिल्कुल पहाड़ के बिल्कुल नीचे एक यूनियन पहाड़ है एक यूनियन पहाड़ 31 के बीच में बन रहा है सारा वो थोड़े कॉम्पैक्ट साइज रूम है 2-3 लोगों के लिए ये जो इस साइड वाले हैं सारे 5 से 6 लोग आराम से रुक सकते हैं मतलब 5 तो बिल्कुल ही आराम से रुक सकते हैं इसमें Yeah, you are on the vlog. Hi guys. What's your name? Me and my man are, yeah, you know, just chilling here, enjoying the beautiful view. Where are you from? So I'm from Delhi, yeah. Delhi. Don't I look like a? Bhai, फिर हिंदी में बोल ले. हिंदी में. फिर इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है. भाई, दिल कर रहे हैं दादा. दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में जमुना पार. आ रहा है क्या? इंग्लिश जमुना पार है सारे भाई. इंग्लिश बोलता है दूर तमा का भाई कहाँ से हो? क्या दिल्ली जमा फिर हिंदी पर आ जा क्यों दुखी हो रहा है जी से को मैं ऐसे बोल ले मैं दिल्ली में कहां से बोला जमना पार मा कतिया खाम का दुखी हो रहा है उस्ताद फिर तो सी यू ऑन द चैनल आशीष मलिक व्लॉग्स एंजॉय भाई पूरा सेटअप पिंग भी गल रहे हैं गौरव ओ पाछा बना लिए पिंग झूले पहले ये बारबेक्यू सेटअप है यहाँ पे ये प्रॉपर फैमिली का मतलब डाइन डोइन करना आपको यहाँ पे बोन फायर की जगह पहले जब हम आते थे ना सिर्फ ये था पीछे वाला दिखाता हूँ आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना सामने सिर्फ ये होता था और पूरा खाली ग्राउंड होता था अरे तो साइड हो जा यार तो क्यों मेरा ब्लॉक का मजा खराब कर रहा है तू आल यार मेरा इसको अवॉइड करो यार गंदी शक्ल को गंदी शक्ल भैड़ी ठीक है ब्लॉक द ब्लॉक बना देंगे ये यहाँ पे चढ़ के इनका कैफे साइट है ये बार भी अभी रिसेंटली खुला इस सीजन में ये पूरा बार सेटअप है और ये कैफेटेरिया आपका जहाँ पे जिसके लिए हम ट्रैवल करते हैं 12 घंटे वो ये सिर्फ ये जगह है और कोई पर्पज़ नहीं है गाड़ी तोड़ने का सस्पेंशन तोड़ने का यही एक रीज़न है कि यहाँ बैठ के चाय पीनी है यहीं खाना खाना है सब यहीं करना है बस ये पूरा स्पीकर सेटअप है यहाँ रखा है एक दो बार रखे बढ़िया पूरी पार्टी वाई पर कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की अरे ना परली टेबल दिखाता हूँ जो मैं तेरे रात को कह रहा था जा पहले ये भी कोई सेटअप नहीं था जब हम आते थे 12-13 साल पहले सिर्फ बस सीमेंट की छोटी छोटी ऐसी लगी हुई थी और प्लास्टिक की कुर्सियाँ आती थी और बस ये बना हुआ था सिर्फ ये जो सामने दिख रहा है गोल गोल बस कुछ भी नहीं था कुछ भी
और आज इसके प्राइसेस चेक करोगे ना आप, तो एक बार प्राइस चेक कर लेना, वैसा मिलेगा ही नहीं आपको, फुल है। अपना खास यार दोस्त है पंकज, जिसकी प्रॉपर्टी है, तो अपनी बुकिंग हो जाती है। आपको भी कभी आना हो तो अपने नाम से बुकिंग कर लेना भाई, बढ़िया डील मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये रखता है यहाँ पर, बहुत बढ़िया सेटअप है। मतलब यार पहाड़ों में आके इससे बढ़िया भाई मेरे को अब तक कहीं नहीं मिली भाई। लद्दाख पद्दाख दुनिया हूँ जाए यार, कम में ना है आइयो सबसे पहले था। आ दिखाऊँ इसमें तो पता नहीं अब अंदर क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। पहले इसमें इनका ऑफिस होता था, सारी चीज़ होती थी। अब तो ये सिर्फ स्टोर रूम बना रखा है। आज आपको राहुल भाई से मिलवाते हैं, तो यहाँ पे आपको मोस्टली टाइम रिसेप्शन पे मिलेंगे, तो सारा काम हम देखते हैं। राहुल भाई हेलो, हेलो, वेलकम टू द व्लॉग। मैं भाई बहुत पुराना बंदा हूँ कसो कैंप का, भाई ने अभी तक पहचाना नहीं मिलता। यार मैंने बताया नहीं कल आके नहीं बता भाई, कर दिया भाई। हमारे 12 साल पुराने कस्टमर है, जब से हमने स्टार्ट कस्टमर किया, हमारे बड़े भाई है 12 साल से आ रहे हैं हमारे पास, जब से हमने स्टार्ट किया सबसे पहले गेस्ट। चलो कोई अब अपना व्लॉग देख के कोई आए तो रूम एडजस्ट करवा देना, चाहे फुल हो भाई, रेट सब कुछ एडजस्ट, किसी कॉर्नर में कुछ ना कुछ दिलवाई देना, ठीक है। ये अंदर का सेटअप है भाई, जिसको बाहर नहीं बैठना, सर्दी वर्दी लग रही है, प्रॉपर फैमिली एरिया पूरा बुक करके अपनी मतलब पर्सनल प्राइवेट पार्टी भी कर सकते हो। यहाँ से फिर आप वापस स्टेयर्स चढ़ोगे तो वही एरिया आ जाएगा आपका, कैफेटेरिया वाला। मेरे हिसाब से पूरी प्रॉपर्टी समझ में आई गई होगी, अब भी समझ में नहीं आई है तो भाई आ जाना, स्टे करना यहाँ पे, याद रखोगे तुम कहोगे मलिक भाई अफीम दे दी तुमने, अफीम छूटी नहीं रही, यहाँ आओगे वो मज़ा आ जाएगा। अभी आपको कॉटेज दिखा देता हूँ, इसका जो कॉम्पैक्ट साइज होता है 2 से 3 लोगों के लिए, ये देखो ये एक आइडल कॉटेज, वो वाले जो टेंट से ग्रीन वाले जो आपको दिख रहे हैं वो ज़्यादा लोगों के लिए हैं, 5-6 लोगों के लिए। ये कॉम्पैक्ट साइज 2 से 3 लोगों के लिए, और इसकी क्वालिटी भी ज़्यादा प्रीमियम है उससे। प्रॉपर ही आपका सारा वुडन फर्निश्ड है, टेम्परेचर मेंटेन रहे, पूरी हीट बनी रहे, इसलिए सारा वुडन फर्निश्ड है। ये आपका सिटिंग एरिया होगा, ये आपका एक सिंगल बेड हो गया, ये डबल बेड हो गया, और वॉशरूम आपका हो गया बढ़िया। पूरी प्रॉपर्टी आप सबने देख लिया, प्रॉपर्टी के मास्टरमाइंड देख लो पंकज भाई का इंस्टाग्राम पे आप भी एक्टिव हो ना, मतलब अकाउंट, बाकी अपनी मेनली बुकिंग आती है उससे, मेक माय ट्रिप से भाई की बुकिंग है। भाई ने लगाए कितने 10 साल लगाए धीरे धीरे क्रिएट करने में। पहले आते थे बस ये भाई को बोलते थे वहाँ लकड़ियाँ लगा दो, बोन फायर करवा दो, गाड़ी भी अंदर आती थी पहले तो इस पूरे एरिया में यहाँ बैठते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे कहीं से भाई ने आइडियाज़ लिए होंगे, कुछ अपना क्रिएट किया होगा, जोड़ तोड़ के पूरी प्रॉपर्टी बनाई है। जो भी बुकिंग करनी हो तो आप इस प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, और अगर सब फुल हो जाए बोलते हैं क्योंकि डिमांड में बहुत रहता है ना, तो अपने नाम से कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी कर लेना भाई, रुकवा देना कोई अपने ब्लॉग से आए, अपने नाम से आए तो कहीं पर भी। और मेन सीज़न अब क्या कौन सा है नेक्स्ट पार्टी सीज़न, मतलब पूरी प्रॉपर्टी का न्यू ईयर आएगा, क्रिसमस न्यू ईयर। मेरे को मतलब ऐसे मेरा मानना है कि उस टाइम तो मैं एक बार आया था बहुत टाइम पहले, इतनी सर्दी होती है कि माहौल पार्टी का रहता है न्यू ईयर में, बहुत ज्यादा क्राउड होता है, क्राउड इतना होता है कि सड़कों पे जाम होता है हमेशा, न्यू ईयर से 2 दिन पहले आओ। अच्छा मतलब 29 तारीख को आओ, 29 को आ जाओ, 29 30 31 एंजॉय करो, एक को भी करना पड़ेगा, हाँ एक को भी बाहर नहीं जा सकते हो, ट्रैफिक वापस भी तो जाएगा। तो ठीक है फिर मैं एडवांस बता देता हूँ, न्यू ईयर पे मैं यहीं मिलूंगा जिसको आना हुआ, ठीक है, एडवांस बुकिंग हो गई है मेरी अभी।